देश दुनिया के इतिहास में 6 मई का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन राजनीतिज्ञ मोतीलाल नेहरू के जन्म समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। आज के दिन 1529 में हुए घाघरा के युद्ध में मुगल सम्राट बाबर ने बंगाल और बिहार के शासकों को पराजित किया था। 1536 में आज ही के दिन हेनरी एस्टम ने सभी चर्चों में बाइबिल रखे जाने का आदेश दिया था। आज ही के दिन 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया था। रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। भारत के स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ मोतीलाल नेहरू का जन्म आज ही के दिन 1861 में हुआ था। आज ही के दिन 1889 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर को आधिकारिक रूप से जनता के लिए खोला गया था। 1910 में आज ही के दिन ब्रिटिश शासक एडवर्ड सप्तम के निधन के बाद उनका बेटा जॉर्ज पंचम गद्दी पर बैठा था। आज ही के दिन 1940 में जॉन स्टेन बेक को उनके उपन्यास द ग्रेप्स ऑफ रॉथ के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1944 में आज ही के दिन महात्मा गांधी को पुणे के आगा खां पैलेस से रिहा किया गया था। ये उनके जीवन की अंतिम जेल यात्रा थी। भारत के प्रख्यात विधिवेत्ता, प्रमुख संसदीय नेता और महात्मा गांधी के विश्वस्त सहयोगी भूला भाई देसाई का निधन आज ही के दिन 1946 में हुआ था। आज ही के दिन 1954 में लंदन के बगीचे में कई महीने तक दौड़ने का अभ्यास करने वाले मेडिकल छात्र रोजर बेनिस्टर ने 1 मील की दूरी को 4 मिनट के भीतर पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया था। 1960 में आज ही के दिन ब्रिटेन की महारानी की छोटी बहन राजकुमारी मार्गरेट और एंथनी आर्मस्ट्रांग जोन्स का विवाह हुआ था। लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में संपन्न इस विवाह समारोह को करीब 2 करोड़ लोगों ने टेलीविजन पर देखा था। आज ही के दिन 1997 में फ्रांस की रहने वाली क्रिस्टिन जेनिन ध्रुव पर पैदल पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी। 2005 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने लश्करे तैयबा को आतंकवादी संगठन की सूची में डाला था। आज ही के दिन 2006 में दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक पोर्टर ग्रास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। टाइटैनिक के डूबने की घटना की आखिरी चश्मदीद गवाह अमेरिकी नागरिक लिलियन एस प्लंट का निधन आज ही के दिन 2006 में हुआ था। आज ही के दिन 2008 में बांग्लादेश में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में पहली बार आरोप पत्र दाखिल किया था। 2010 में आज ही के दिन मुंबई में हुए 26/11 हमले के दोषी अजमल आमिर कसाब को मौत की सजा सुनाई गई थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।